ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2021 के खत्म होने के बाद से ही विराट कोहली की कप्तानी को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे, जिसके बाद विराट कोहली ने तो कप्तानी छोड़ दी और कप्तानी दी गई रोहित शर्मा को। अब वनडे कप्तान हालांकि विराट कोहली रहना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया और वनडे और T20 का एक ही कप्तान बनाया गया, नाम रोहित शर्मा। लेकिन अब विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दी और अब तीनों ही फॉर्मेट में रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया गया है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से वो आगाज करने वाले हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये बात आप और हम सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की एज यानी कि उम्र लगभग समान है। साफ तौर पर दिख रहा है कि रोहित शर्मा अब ज्यादा टाइम के लिए तो कप्तान नहीं रहने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में बतौर उप कप्तान के तौर पर किन खिलाड़ियों को आजमाएंगे और टीम इंडिया का आने वाले फ्यूचर में कौन होगा कप्तान। इस लिस्ट में रोहित शर्मा ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। रोहित ने खुद एक बहुत ही बड़ा बयान दिया और उन खिलाड़ियों के नाम बता दिए जो खिलाड़ी आने वाले समय में टीम इंडिया के कप्तान बन सकते हैं। तो वीडियो में हम आपको यही बताएंगे उन तीन खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें इंडिया का नेक्स्ट कप्तान माना जा रहा है। और आप क्या सोचते हैं इन तीनों खिलाड़ियों के बारे में, आपको क्या लगता है, आप अपनी राय तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ही। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। खैर, ये बताने से पहले कि रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के आगे आने वाले समय में कौन होगा कप्तान उसके बारे में क्या कहा, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, अब 34 साल के रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम के कप्तान बन चुके हैं। रोहित को टेस्ट की कप्तान देने के बाद चयन समिति अध्यक्ष चेतन शर्मा ने कहा, उनकी देखरेख में भारत को नया कप्तान मिलेगा, इसीलिए हम रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर ये कप्तान तैयार कर रहे हैं। ऐसे में वो तीन खिलाड़ी कौन से जिनके बारे में बार बार जिक्र किया जा रहा है और रोहित ने क्या कहा, तो आइए उन जानते हैं तीन खिलाड़ी के बारे में और उसके बाद जानेंगे रोहित के बयान के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम तो KL राहुल का आता है। राहुल ने अपनी कप्तानी से अब तक तो निराश किया है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका दौरे में एक टेस्ट और तीन वनडे मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की है। ये सभी मैच भारतीय टीम हारी थी। ऐसा नहीं है कि राहुल को टीम कमजोर मिली थी या अफ्रीका के खिलाड़ी बहुत बेहतरीन लय में थे, लेकिन राहुल चारों मैचों में कप्तान के रूप में कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए। IPL में भी उन्होंने दो सीजन पंजाब किंग्स की कप्तानी की है, 2020 और 2021। दोनों सीजन में पंजाब की टीम अंक तालिका में छठे स्थान पर ही थी। उन्होंने रणजी ट्रॉफी या लिस्ट ए क्रिकेट में कभी कप्तानी नहीं की है। ऐसे में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करना बिल्कुल गलत होगा। दूसरा नाम जसप्रीत बुमराह का आता है। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो उनके पास कप्तानी का कोई अनुभव नहीं है। बुमराह ने न तो घरेलू क्रिकेट और न ही IPL में किसी टीम की कप्तानी की है। भारतीय क्रिकेट में गेंदबाजों को कप्तानी देने का चलन लगभग न के बराबर है। खासकर तेज गेंदबाजों को कप्तानी बहुत ही कम दी गई है। कपिल देव के अलावा किसी दूसरे तेज गेंदबाज को भारत ने आज तक कप्तान के रूप में कुछ खास नहीं किया है। वहीं अनिल कुंबले भारत के आखिरी कप्तान थे जो गेंदबाज के रूप में थे और उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। अब आइए जानते हैं उस तीसरे खिलाड़ी के बारे में, उसके बाद जानेंगे आखिर रोहित ने क्या कहा, किस कप्तान का नाम लिया रोहित ने। खिलाड़ी की लिस्ट में नाम आता है ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत भारत के भविष्य के कप्तान हो सकते हैं। 24 साल के पंत की उम्र भी अभी काफी कम है और कप्तान के रूप में उनका रिकॉर्ड बेहतर है। दिल्ली की कप्तानी करते हुए उन्होंने अपनी टीम को प्लेऑफ में पहुंचाया था। इसके अलावा वो विकेट कीपर भी है जिससे फील्ड सेट करने में और गेंदबाजों से बातचीत करने में मदद मिलती है। वो धोनी और कोहली से काफी कुछ सीख चुके हैं और रोहित भविष्य के कप्तान के रूप में उन्हें तैयार कर सकते हैं। इस बारे में खुद रोहित शर्मा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। रोहित शर्मा ने कहा, मैं इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट हूँ कि लीडरशिप के रोल में आगे कैसे बढ़ाना है। जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत और KL राहुल आने वाले वक्त में काफी अहम रोल निभाने वाले हैं। रोहित शर्मा ने आगे कहा कि जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाना काफी सही फैसला था। उन्होंने कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी बल्लेबाज हो या गेंदबाज, बस वो लीडरशिप के रोल में होना चाहिए। रोहित शर्मा ने आगे कहा, बुमराह के पास बेहतरीन क्रिकेट दिमाग है, ऐसे में उसका फायदा उठाया जा सकता है कि KL राहुल, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह इन तीनों को तौर पर आगे आने वाली टीम में भविष्य का कप्तान देखा जा रहा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इन तीनों में से कौन बनेगा भारत का नया कप्तान, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।